आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला आप सबकी फेवरेट सीरियल उड़ानिया का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग। खुशबीर फतेह और जैस्मिन को दफा हो जाने के लिए कहता है। गुरप्रीत कहती है नहीं, फतेह कहीं नहीं जाएगा, ये लड़की जाएगी। खुशबीर का कहना है कि फतेह यहाँ नहीं रह सकता। निम्बू का कहना है कि जैस्मिन इतनी बेशर्म है, उसने इस रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्या वह अपना सर फोड़ेगी। फतेह जैस्मिन का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। गुरप्रीत फतेह को देखता है, जैस्मिन जाती है। वह जैस्मिन को सुनने के लिए कहता है कि गुरप्रीत कहता है कि अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो तुम मुझे मरा हुआ देखोगे। वह कहता है कि मैंने तेजो के साथ गलत किया, लेकिन जैस्मिन अकेली है। वह पूछती है कि तुम्हारी माँ के बारे में क्या है। खुशबीर कहता है कि उसे जाने दो। दादी और दादा को भी गुस्सा आता है। खुशबीर का कहना है कि मैं उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन जैस्मिन उसके जीवन में आई थी। जैस्मिन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोती है। तेजो सती के साथ उसके गोद में लेट जाती है और रो रही होती है। रूपी ने तेजो को दूध पीने के लिए कहा, उसने कुछ खाया नहीं था, वह बीमार हो सकती थी। तेजो ने आंखें बंद कर ली। फतेह कहता है कि मुझे पता है कि तेजो के साथ गलत हुआ है, उसका परिवार उसके साथ है। जैस्मिन के साथ कौन है, उसे मेरी ज़रूरत है, कृपया मुझे जाने दो। वो खुद के साथ कुछ भी कर सकती है। वह गुरप्रीत को छोड़ कर चला जाता है। खुशबीर कहता है कि क्या आपने देखा कि वह कैसे जैस्मिन के लिए पागल हो गया। पता नहीं तेजो किस मुसीबत से गुजर रही होगी। तेजो आंखें खोलती है और जैस्मिन और उसके बचपन के गेम प्ले को याद करती है। उसकी जगह जैस्मिन दुल्हन बन जाती है। तेजो देखती है कि एक कांच का टुकड़ा जैस्मिन के पैर को चोट पहुंचाने वाला है। वह अपना हाथ वहीं पर रखती है और चोटिल हो जाती है। तेजो अपने छोटे से अवतार के पास दौड़ती हुई आती है और कहती है कि जैस्मिन तुम हमेशा ऐसा ही करो, तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा चोट लगी। उसकी कल्पना समाप्त हो जाती है। फतेह और तेजो की तस्वीर गिरकर टूट जाती है। वो फ्रेम फेंकती है और किस्मत किस्मत खेलती है। रूपी और सती रोते हुए उसे देखते हैं। जैस्मिन रोते हुए बैठ जाती है। फतेह उसे ढूंढता है। तेजो उसकी चूड़ियां देखती है और उसे हटा देती है। वह चूड़ियां फेंकती है और रोती है। सती रोती है और नीचे चली जाती है। रूपी ने उसे पकड़ लिया और कहा, शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तेजो को कौन दिलासा देगा। जैस्मिन बुलाती है। रूपी जवाब देती है और पूछता है कि मुझे क्यों बुला रहे हो, बेशरम। डायन भी नौघर छोड़कर वार करती है, तुमने अपनी बहन का ही घर बर्बाद कर दिया, मुझे पापा मत कहो, जाओ और कहीं मर जाओ जाकर, तुम्हें कोई शर्म नहीं। वो कॉल समाप्त करता है। जैस्मिन रोती है और इस तरह सीरियल का सीक्वेंस आपको हमारे साथ बांध कर रखता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपकमिंग ड्रामे का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलते रहें।